दोस्तों पागलपन ये कोई रोग नहीं है, ये लाइफस्टाइल है विनर्स की, जिन्हें अपने सपने दिन को तो छोड़ो रात को भी सोने नहीं देते। एक ऐसा ही पागल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट के सामने लुक्स की कोई कीमत नहीं। इसका सपना था एक्टर बनने का, और अपने सपने को पूरा करने के लिए इस बंदे ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए, पर इससे गुजारा नहीं होता था। अपना गुजारा करने के लिए इस बंदे ने वॉचमैन से लेकर कुक तक सब काम किए, और आज इस बंदे की नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गणेश गायतोंडे, यानी कि हमारे नवाज भाई की, जो कि वर्ल्ड के इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी 8 फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई है। वो कहते हैं ना, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली बंदा वही है जो लहरों को चीर के आगे बढ़े। जहां कोई आम बंदा पढ़ाई के बाद 1-2 साल में अगर अच्छी जॉब ना मिले तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वहां इस बंदे ने 12 साल तक इंतजार किया एक ढंग के ब्रेक के लिए। इसे कहते हैं अपने पैशन के लिए पागलपन, कि साला कुछ भी हो जाए जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। और ऐसे पागलपन के सामने स्ट्रगल भी टिकने के लिए स्ट्रगल करती है। दोस्तों ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त निकल रहा है, बस दुनिया की परवाह किए बगैर ये अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं। ये कोई आम बंदे की बस की बात नहीं है, इसके लिए जिगरा भी फौलादी होना चाहिए। ऐसी एक कहानी है दूसरे बॉलीवुड एक्टर जिसने ये साबित कर दिखाया कि एज इज जस्ट अ नंबर। इस बंदे का पागलपन अपने लिए नहीं था, वो बस अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। और फिर ये एक ऐसी जिद बन गई कि एक आम दुकानदार 43 के एज में बॉलीवुड में एंट्री मारता है, और फिर जे डॉट अस्ताना उर्फ मामू बनकर करोड़ों दिलों को जीत लेता है। यस यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर बोमन ईरानी की। यार जिस बंदे को स्पीच डिफेक्ट था, जिसे ये तक कहा गया था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है, अगर बिना एक बहाना दिए ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। याद रखना दोस्त, जब किसी का सपना उसका जुनून बन जाता है तब वो हकीकत में उतर कर एक दिन इतिहास बना देता है। कुछ ऐसा करो कि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वो एक दिन कहे कि यार इस बंदे ने तो कर दिखाया। और याद रखना, जब भी कुछ नया करने जाओगे तो रिजेक्शन भी मिलेंगे, जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग को मिले थे। बुरे मार्क्स की वजह से स्टीवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्कूल से 3 बार रिजेक्ट किए गए थे। इस बंदे की जगह अगर कोई और होता तो रिजेक्शन के डर से जिंदगी से हार मान लेता, पर इस बंदे को लोगों से ज्यादा खुद पे भरोसा था। इसमें वो आग थी अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने की, और आज ये बंदा हॉलीवुड के बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक है, जिसने ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स जैसी कई सुपर डुपर हिट मूवीज बनाई, और इस बंदे ने अब तक हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर्स जीते हैं। दोस्तों अगर तुम्हें वो बात है जो दुनिया बदल सकती है, तो सबसे पहले खुद को बदलो। ये जो तुम बहाने मारते हो ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो बंद कर दो और अपने गोल्स के लिए पागल बन जाओ। ऐसा जुनून अपने अंदर जगाओ कि कोई तकलीफ तुम्हें बड़ी ना लगे। कुछ ऐसा करो जिससे कि हजारों को इंस्पायर कर सको। एक ही तो जिंदगी है दोस्त, इसे रोने में और सोने में वेस्ट मत करना। मुश्किल हर किसी के लाइफ में आती है, पर डिसाइड तुम्हें करना है कि उन मुश्किलों के आगे दब जाना है या अपने हौसलों से उन मुश्किलों को दबाना है। हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन गरीबी के कारण बचपन में चोरी चकारी करते थे। बचपन से सपना था फुटबॉल खेलने का, पर इंजुरी की वजह से जब वो पूरा नहीं हो पाया तो वो डिप्रेशन में तक चले गए थे। इतनी तकलीफों के बावजूद इस बंदे के अंदर कुछ हासिल करने का जोश था, चाहता तो फिर से गलत रास्ते पर जा सकता था, पर इन्होंने रेसलिंग को चुना और अपनी ताकत को सही जगह लगाया। कुछ सालों बाद जब रेसलिंग की खतरनाक दुनिया से निकलना जरूरी हो गया, तब इन्होंने हॉलीवुड में ट्राई किया, और आज ये बंदा हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक है। बहुत लोगों को वक्त बदल देता है, और कुछ पागल लोग वक्त को ही बदल देते हैं। 14 साल की उम्र में जिस बंदे के घर के बाहर एविक्शन नोटिस लगी थी, आज उसके पास $5 मिलियन का मैंशन है। कहते हैं जब तक कुछ हासिल ना कर लो तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है, पर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तुम्हें एक तूफान होना चाहिए जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को उखाड़ कर फेंक दे। क्या तुम में है वो पागलपन जो तुम्हें स्टार बना दे? आपका तो पता नहीं, पर एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे में वो पागलपन था जिसने उसे सिर्फ स्टार ही नहीं लोगों का भगवान बना दिया। ही इज द वन एंड ओनली शिवाजी राव गायकवाड उर्फ रजनीकांत। इनका करियर कुली, कारपेंटर, बस कंडक्टर जैसे कामों से स्टार्ट हुआ, पर सपना था एक्टर बनने का, और अपने एक्टिंग के सपने को इस बंदे ने ऐसा पूरा किया कि आज भी बच्चा बच्चा जानता है थलाइवा को। अपने काम को लेकर इस बंदे के अंदर इतना पैशन है कि 70 की एज में भी ये मूवीज कर रहा है। और ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते, बिकॉज यू कैनॉट रिटायर फ्रॉम बीइंग ग्रेट। तो दोस्त ऐसे तू भी उठ, तू भी कर, तू भी लड़, जब तक तू मर ना जाए, जब तक चुनौतियां तुझसे डर ना जाए। ये जिंदगी तेरी है और इसे जीतना भी तुझे ही है। ये दुनिया झुकती है अगर तुझ में दम है, क्योंकि दोस्त हर मुश्किल का हल है अगर तुझ में दम है।